हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको Honor Play 40 के ऑफिशियल स्पेक्स बताने वाला हूं। दोस्तों ये कब इंडिया में लॉन्च होगा, इसकी इंडियन क्या प्राइस होगी, तो दोस्तों मैं जल्दी से आपको इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो दोस्तों जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको IPS LCD देखने को मिलेगा और दोस्तों स्क्रीन साइज आपकी होगी 6.39 इंचेस की। तो दोस्तों स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिलेगा 82.4% आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो स्क्रीन रेजोल्यूशन होगी ना वो 720x1560 पिक्सल्स देखने को मिलेगी। और दोस्तों जो इसका एक्सपेक्ट रेटियो होगा ना 90.5:9 होगा, यानी कि दोस्तों ये फोन थोड़ा सा लंबा होगा, यानी कि बाकी फोन्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा लंबा होगा और थोड़ा कम चौड़ा होगा। तो दोस्तों ये फोन्स बहुत अच्छे होते हैं, वन हैंड यूज करने के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन PPI 269 देखने को मिलेगा, जो दोस्तों बहुत ही कम है। और दोस्तों अभी तक तो आप जान चुके होंगे जो इसका डिस्प्ले होगा बिल्कुल बेकार सा होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको IPS LCD स्क्रीन मिल रही है, प्लस दोस्तों रेजोल्यूशन भी बहुत कम है और स्क्रीन PPI भी बहुत कम है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हम लोग OS के बारे में। तो यहाँ पर आपको Android 10 मिलेगा, जो दोस्तों मैजिक UI 3.1 पे बेस्ड होगा। और दोस्तों बात कर ले हम लोग चिपसेट के बारे में, तो यहाँ पर आपको हाई सिलिकॉन क्रीन 710A देखने को मिल रहा है, जो दोस्तों 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और दोस्तों ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 4x2.2 GHz कोटेक्स A73 एंड 4x1.7 GHz कोटेक्स A53 पे ये बेस्ड है। तो दोस्तों बात कर लें इसकी आर्किटेक्चर की, तो 64-bit का ये प्रोसेसर है और GPU आपको मिलेगी माली G51MP4। तो दोस्तों अगर मैं आपको परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं, तो दोस्तों इसका जो परफॉर्मेंस होगा दोस्तों, ये दोस्तों आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। आपको एकदम मिड रेंज जो होता है ना, जो दोस्तों 8 या 9 हज़ार का फ़ोन आपको जो परफॉर्मेंस देता है, ये आपको बिल्कुल वैसे ही देगा। तो दोस्तों आप इसमें गेमिंग बिल्कुल मीडियम सेटिंग्स पे कर पाएंगे, वहाँ पर भी आपको दोस्तों ग्लिच और लैग देखने को मिलेगा। आप इसमें दोस्तों COD और PUBG खेल पाएंगे, Fortnite आप नहीं खेल पाएंगे इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मीडियम सेटिंग्स पे दोस्तों गेम में ग्लिच देखने को मिलेगा, आपको इतना परफॉर्मेंस अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रोसेसर बहुत ही पुराना है और दोस्तों ये बहुत ही दोस्तों आउटडेटेड प्रोसेसर है, आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड नहीं करेगा। वही दोस्तों चलिए बात करते हैं हम लोग कैमरा सेटअप के बारे में। तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ट्रिपल नहीं मिल रहा, आपको यहाँ डुअल मिल रहा है। तो दोस्तों ये मेरे को बहुत बेकार लगा कि यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, जो दोस्तों आज की कंपनी जो दोस्तों बजट से बजट स्मार्टफोन में भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डुअल कैमरा मिल रहा है, ना कि ट्रिपल भी नहीं दे रहा आपको, यहाँ पर डुअल कैमरा दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा। और दोस्तों ये डुअल कैमरा से आप फुल HD में 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना, आपको कंप्लीट बेजललेस देखने को मिलेगा, आपको Realme 6 की तरह देखने को मिलेगा, आपको एक छोटा सा पंचोल कोने में देखने को मिलेगा। और यहाँ दोस्तों आपको पंचोल में 8 मेगापिक्सल का दोस्तों कैमरा मिलेगा, जो दोस्तों वाइड शॉट्स लेने के लिए बना होगा। और दोस्तों ये फ्रंट कैमरा से भी आप दोस्तों फुल HD में 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको 3.5mm जैक, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 और माइक्रो USB 2.0 देखने को मिलेगा, आपको USB टाइप सी का पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों अगर बात कर ले हम लोग रैम वेरिएंट्स के बारे में, तो 464 और 6128। तो दोस्तों यही बस यही दो वेरिएंट्स के बारे में मेरे को पता चला है, तीसरा वेरिएंट दोस्तों आएगा भी नहीं, क्योंकि दोस्तों इसके फ़ोन के स्पेक्स इतने बेकार है ना, मेरे को लग ही नहीं रहा कि दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए खैर मैं आपको इसके और थोड़े स्पेक्स बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको बैटरी मिलेगा 4000 mAh का, जो दोस्तों क्विक चार्जिंग 10W के चार्जर को दोस्तों सपोर्ट करता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो कलर होगा ना, कलर ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ये तीन कलर में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए मैं बता देता हूँ इसकी इंडियन प्राइस क्या होगी और दोस्तों ये कब लॉन्च होगा इंडिया में। तो दोस्तों अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें, तो दोस्तों इसकी जो प्राइसिंग होगी ना, करीबन दोस्तों ये दोस्तों 12,999 के आसपास दोस्तों ये लॉन्च होगा। तो दोस्तों मैं इसकी प्राइसिंग सुन के खुद दंग रह गया हूँ कि दोस्तों ये जहाँ पर जो चाइना में दोस्तों ये लॉन्च होने वाला 14 अप्रैल को, और दोस्तों इसका फर्स्ट सेल चालू होगा 21 अप्रैल को। और दोस्तों यहाँ पर दो स्मार्टफोन दोस्तों लॉन्च हो गए, एक Honor Play 40 Pro होगा, एक Honor Play 40 होगा। जो दोस्तों Honor Play 40 Pro है उसके ऊपर मैं दोस्तों ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको ऊपर कार्ड्स में शो हो रहा होगा। तो दोस्तों अगर बात कर ले इस स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों मेरे ओपिनियंस ये हैं, अगर दोस्तों ये स्मार्टफोन 10 से 11 हज़ार में भी लॉन्च होता है तो उसको बिल्कुल परचेस मत करिए। अगर ये दोस्तों स्मार्टफोन 8 या 9 हज़ार में होगा तभी दोस्तों उसकी तरफ देखिए, ना तो एकदम मत देखिए, क्योंकि दोस्तों आपको 8 या 9 हज़ार में भी आपको Realme 6i मिल जा रहा है, Realme 5i, Realme 5s, ये ऐसे ऐसे स्मार्टफोन दोस्तों आपको देखने को मिल जा रहे हैं जो 9-10 हज़ार में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना, इसके स्पेक्स एकदम घटिया है, आपको दोस्तों ना ही स्क्रीन इसमें अच्छा मिल रहा है, ना ही दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोसेसर अच्छा मिल रहा है। कोई भी एक कारण नहीं है जिसकी वजह से आप ये स्मार्टफोन को परचेस करेंगे। वैसे भी दोस्तों Realme के Narzo 10 और Narzo 10A ये दोनों स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, तो दोस्तों वेट कर लीजिए, आप ये स्मार्टफोन की तरफ बिल्कुल मत देखिए। इसका बड़ा भाई जो दोस्तों 40 Pro है उसकी तरफ भी मत देखिए, क्योंकि दोस्तों 40 Pro में भी इतना दम नहीं है। आपको दोस्तों उस प्राइस रेंज में, यानी कि जो 10-11-12 हज़ार के रेंज है, वहाँ पर आपको दोस्तों Realme 6 मिल
जाएगा, या फिर दोस्तों Realme 5 Pro मिल जाएंगे, या फिर Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro Max, Infinix Hot 8, या फिर दोस्तों Infinix के अभी नए नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी बहुत सारे स्मार्टफोन्स आने वाले हैं, तो दोस्तों आप वेट करिए, अभी बिल्कुल कोई फ़ोन परचेस मत करिए। जैसे ही दोस्तों लॉकडाउन हटेगा दोस्तों मैं आपको एक नए स्मार्टफोन की लिस्ट बताऊंगा, यानी कि आपको 10,000 से 15,000 में कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, 15 से 20,000 में कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। वैसे भी दोस्तों GST की वजह से बहुत सारे फोन्स का प्राइसेस बढ़ चुका है, तो दोस्तों मैं नया लिस्ट बताऊंगा, आप उस हिसाब से परचेस करिएगा। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप ऑनर के फोन्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आना है तो उसको लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और साइड के बेल आइकन को भी दबा देना। तो दोस्तों मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नई वीडियो में, हमेशा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, चलिए बाय। जस्ट डू इट। इफ यू आर टायर्ड ऑफ स्टार्टिंग ओवर, स्टॉप गिविंग अप।